मेरी अम्मी को नहीं पसंद है मैं जो करता हूँ। हम लोग का जो फैमिली बैकग्राउंड है ना वो बहुत पर्दे वाला है। मैं शुरू में पहले वीडियो बना लेता था, मेरी अम्मी को पता नहीं होता था कि इतने सारे लोग देखते हैं। मेरी अम्मी अब सीधा ना बोलती है कोई भी वीडियो के लिए। माशाल्लाह इतने अच्छे बड़े बड़े ब्रांड थे, 3 थे, जिसमें सिर्फ मम्मी का थोड़ा सा फुटेज आना था और मम्मी के थोड़े बाइट्स थे और वो अच्छा पैसा दे रहे थे, मैंने वो तक नहीं कर पाया। अम्मी को पसंद नहीं था मैं झलक में जाऊँ, अम्मी ने मेरा कोई एक भी परफॉर्मेंस नहीं देखा। जब आगे मैं ये देखता हूँ ना कि मेरी अम्मी मेरा परफॉर्मेंस नहीं देख रहे, तो जाहिर सी बात है वो मजा नहीं है मेरे लिए भी। एक गरीबी की खूबसूरती और एक अमीरी की खूबसूरती में बहुत फर्क है। जब एक पैसा आता है, एक ग्लो आता है, एक नूर आता है, वो एक अलग ही होता है। जब मैं कभी पार्किंग में उतरता हूँ और गाड़ी को देखता हूँ ना, तो मैं ऐसा सोचता हूँ अच्छा मेरे पास रेंज रोवर है। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। आज के बच्चे हैं ना जो बड़े हुए हैं, ये बहुत ही अच्छे समझदार बड़े हुए हैं, क्योंकि हम जितने भी फैसो पहले पॉडकास्ट कर चुके हैं उसमें जन्नत भी आई थी, वो भी इतनी समझदारी वाली बातें जो बचपन से काम शुरू कर देते हैं, मुझे लगता है वो बड़े हो जाते हैं जल्दी। भारती दी, मैं भी एक शो कर रहा हूँ जैसे कि आप लोग कर रहे हो। जी जी जी, पता है मैं आपको शो पे बुलाया था, बराबर। जब मैं शो स्टार्ट किया था ना, तो आप मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग थे। बताओ क्यों? मैं ये शो पे रह के ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि यार अभी मैं आ गया हूँ तो मैं बात रख रहा हूँ, बट मैं जेन्युइनली आपको बताऊंगा। याद है आपने एक बात बोला था मेरे शो पे आके, आप सेकंड कंटेस्टेंट थे जो शो पे आए थे, आपने बोले थे यार फैसल कभी भी है ना तू कुछ कर रहा है ना उसमें तू तेरा होमवर्क किया कर, याद है आपको? Yes. वो चीज मुझे याद है और मैंने वो चीज को अपने दिमाग में इस तरीके से फिट किया था। Yes. कि मैंने ये सोच लिया था कि यार होमवर्क सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके बाजू में एक आर्टिस्ट बैठा है तो उसको किस तरीके की आपको वाइब देना है, आपको किस तरीके के सवाल सेट करने हैं। तो ये चीज थैंक यू भारती दी, आपने मुझे सिखाया। तुम सबको ये बताओ कि तुमको ये बात किसने सिखाई? मैंने खुद ने, क्योंकि मैं खुद अच्छी लड़की हूँ। नहीं नहीं, मैं बता दूं कि मैं खुद होमवर्क करती हूँ फैजू, लेकिन मैंने फैजू को बताया क्योंकि फैजू मैं बताता हूँ लग गया है काम पे, पहले सुनो मेरा। तो मैंने बोला था फैजू अब होमवर्क किया करो कि कौन आर्टिस्ट आ रहा उसके बारे में जान के बस फिर दिमाग में लेना, फिर तुम अपनी लाइफ के खुद राइटर हो। और हर्ष ने मुझे सेम लाइन बोला था आपने, मुझे सेम बोला कि होमवर्क बहुत जरूरी है, मैं होमवर्क करती हूँ। लेकिन उसको पता मैं सच में, मैं जब गाड़ी में जा रही होती हूँ मेरा होमवर्क चालू होता है कि अब मैं बिग बॉस में जा रही हूँ झलक में, तो मैं क्या काम करूँ। यार भारती को ना एक गॉड गिफ्ट है, ठीक है, और ये अभी मानना पड़ेगा कि इसको गॉड गिफ्ट है कि इसको एक सेकंड में कॉमेडी बात आती है, ठीक है। अब यही चीज ना कोई और किसी और को, मैंने कपिल भाई को ही देखा है और भी बहुत सारे होंगे, हमने नहीं देखा, लेकिन जो वो नहीं है, जैसे मैं भारती नहीं हूँ, तो मुझे तो स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, पूरा बन सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, पढ़ना पढ़ते रहना पड़ेगा। मेरे टाइप का जो काम कर रहे हैं उनको देखते, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मैंने क्या बोला कि एक YouTube वीडियो बनाना है कुछ मत करो, उस जैसा 50 मिलियन या 100 मिलियन वाला वीडियो देखो, उसमें कोई ना कोई तुमको ऐसी चीज पता चल जाएगी कि क्यों ये 100 मिलियन है। राइट। तो कहीं ना कहीं वही होमवर्क है। तो मतलब मैं ये समझूं कि बैकएंड पे हर्ष भाई है और फ्रंट फुट पे भारती दी खेल रही है। ये अच्छी बात है कि बुरी, मुझे इसकी इतनी आदत पड़ गई है ना काम में कि जब स्क्रिप्ट हर्ष लिखता है ये पेपर पढ़ना, इसको मुझे समझ ही नहीं आती जब तक मैं इसके मुंह से ना सुनू ना, और मैं बोलती हूँ क्या करने वाले हैं कल हम, अच्छा उसका जाके ये करना, और मेरे को समझ आ जाती है। अरे बिग बॉस, जब तक मैंने इसके मुंह से नहीं सुना और पेपर घूमते रहते हैं ना, मैम आपका स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए हर्ष भाई ने पढ़ लिया, तो मैं बोलती हूँ हर्ष भाई ने पढ़ लिया तो उनको बोलो मुझे तो पढ़ाए, क्योंकि वो बोलता ना भारती ऐसे करके यही करना है तो होता यही करना, लेकिन पेपर जो होते हैं ना कि माड़ा घर ले रहे हैं जो इतने सारे, वो नहीं होता इसके मुंह से हो जाता है। क्या बात है। तो फैजू, यस भाई, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल और उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन अब तो वो पूरा पार्टी चला गया है जो स्ट्रगल वाला पार्ट था। क्या एक चीज़ थी जिससे फैजू को लगा कि यार मैं वीडियो बनाऊंगा और मेरे वीडियो लोग देखेंगे भी? मेरे में ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं था, मैं एक्टिंग में आ गया। कुछ लोग के अंदर पहले से बचपन से खूबसूरत होते हैं, तो आप बचपन से खूबसूरत थे? मेरे को पता है मेरी स्कूल की टीचर बोलती थी चांद का टुकड़ा गंदा कपड़ा। क्योंकि ना मैं ना दिखता बहुत माशाल्लाह गोरा था, अब पता नहीं नाक नक्शा स्कूल के टाइम पे तो छोटे छोटे बाल, क्या पता कैसे दिखते हैं बच्चे, बट मैं गोरा गोरा था
और मेरे कपड़े हमेशा गंदे होते थे स्कूल के, और मैं खेलता इतना था, मेरी अम्मी धुलती थी, आता था भाई। अच्छा, चांद का टुकड़ा, मैला कपड़ा। हाँ, चांद का टुकड़ा, गंदा कपड़ा, गंदा कपड़ा। हाँ, मेरे को याद है वो पुष्पा मैम ने रखी थी, तो भाई पुष्पा मैम, पुष्पा मैम क्या बोल के गई है, वाह, झुकेगी नहीं पुष्पा मैम। बोल दिया, फैजू को बोल दिया भाई। तो वही चलता था। और फिर उसके बाद में मैंने हर्ष भाई एक चीज नोटिस किया, एक गरीबी की खूबसूरती और एक अमीरी की खूबसूरती में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। गरीबी की खूबसूरती है ना, आपको खूबसूरती दिखाएगी मगर एक स्पार्क नहीं आएगा, जो स्पार्क एक अमीरी की खूबसूरती में होता है। यू आर नॉट अगली, यू आर जस्ट पुअर। तो भाई मैंने ये चीज नोटिस किया है, और मैंने भी ये देखा है, मैंने खुद में ये देखा है। अब मैं किसी और के ऊपर मैं एग्जाम्पल दे भी नहीं सकता, बट मैं खुद पे देता हूँ कि नाक नक्शा अच्छा है मेरा, पहले की बात कर रहा हूँ, नाक नक्शा मेरा पहले बहुत अच्छा था, अभी भी ऐसी ही है माशाल्लाह। बट जब एक पैसा आता है, लाइफस्टाइल चेंज होता है, लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो एक जो चेहरे पे स्पार्क आता है, एक ग्लो आता है, एक नूर आता है, वो एक अलग ही होता है। उसी के साथ मैं आगे कंटिन्यू किया वीडियोज़ बनाने का। देखो मैंने नोटिस किया था, जब वो टाइम पे ना वीडियोज़ वगैरह बनते थे ना, जब पहला प्लेटफॉर्म आया था म्यूजिकली, तो उसमें मैंने नोटिस किया यार, जो बेचारे एवरेज दिखने वाले लोग हैं उनके ऊपर है ना, अगर वो स्ट्रॉन्ग कंटेंट बना रहे तो उनकी वीडियो चल रही है, सही कहा। मगर जो लड़कियां खूबसूरत है, या अभी भी आप देखोगे रील्स में जो खूबसूरत लड़कियां हैं, उनको भी रील्स बहुत है, लाइक्स बहुत है। करेक्ट। मैंने ये चीज नोटिस किया कि अपने आप को कितना मैं अच्छा दिखाऊं और कितना ज्यादा मैं लाइक बटोर सकूं शुरुआती दौर पे, तो मैंने वो चीज किया। बट हर जगह हीरो कंटेंट नहीं चलता है, तो मैंने कोशिश किया कि यार मैं थोड़ा ऑलराउंडर बनता हूं, ऑलराउंडर के साथ ही साथ कुछ इस तरीके के कंटेंट देता हूँ लोगों को जो रिलेट कर सके। अब मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं अगर खुद से अपने माइंड से बनाऊंगा या सोचूंगा, कंटेंट क्रिएशन पे बैठूंगा, स्क्रिप्टिंग करूंगा, वो मैंने ट्राई भी किया था, वो इंसान एक दिन में कितना करेगा, एक दो तीन। बट एक वक्त आने पे जब उसकी जनता बढ़ेगी, उसकी ऑडियंस बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को ज्यादा देखना है आपको। तो वो टाइम पे ना कैसा है ना, वो प्लेटफॉर्म पे डबिंग बहुत चलती थी, कि जैसे आपने भी भारती थी कुछ बोल दिया, यार फैसल तू तो ऐसा दिखता मगर तू तो ऐसा है नहीं, मैंने बना लिया सेम लिपसिंग, यार फैसल तू तो ऐसा दिखता, मैं उसको 2x पे बनाया फास्ट में, और थोड़ा सा कॉमेडी वे में बनाया, ये भी एक कॉन्टेंट है। तो इस तरीके का कॉन्टेंट जब लोग बनाने लगे, उनका वायरल होने लगा, तो हम क्या करें उस पर रिक्रिएट करने लगे। तो अब वो क्या हो गया, हम क्या स्टॉक में बनाने लग गए, क्योंकि वो कैसा था ना कि अब क्या है, इसमें तो सिर्फ डबिंग करना है, करेक्ट, कॉन्टेंट तो लोग रिलेट करेंगे ही। तो हम एक दिन में 14-15 वीडियो बनाते थे, मस्त फुल वायरल चल रहे थे वो टाइम पे, पूरा दिन बैठते थे, पूरी रात हो जाती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि खाने पीने का ठिकाना नहीं। बट ये जो चीजें होती थी ना, ये चीज है ना, कहीं भी ये सोच के नहीं होती थी कि यार आगे चल के हमारे को कुछ होने वाला है, ऐसा अपनी लाइफ में ऐसा कुछ लाइफ स्टाइल बनाना है, या आगे चल के इस पे बहुत अच्छा मतलब स्केल है, अच्छी जर्नी बन जाएगी। भाई बस यही था कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इस पे हम वीडियो जितनी भी बनाए, ये हो कि लोग देखें और हंसे, और हमें कहीं जाए तो हमें बोले कि अरे आप वही हो ना जो वीडियो बनाते हो। बस ये थॉट था, ये विजन था, ना कोई पैसे का विजन था, ना कोई फेम का विजन था, फेम का था कहीं ना कहीं, बट ये अच्छे उसमें था कि यार कहीं जाए तो लोग बोले यार तुम तो वही हो ना। बहुत अच्छी बात बोली। तो बस यही था, पता नहीं जर्नी कहाँ थी, कहाँ से कहाँ आ गई, आज भारती दी के पॉडकास्ट पे आ गए। तो बस बहुत अच्छी बात है कि तब तो सोचा ही नहीं था आपने कि कुछ करना है। यस भाई, संदीप महेश्वरी के एक वीडियो में बोला था कि नेवर ट्राई टू अचीव बिगेस्ट गोल, ट्राई टू अचीव स्मॉल 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 गोल्स। अगर आपने तभी सोच लिया होता ना मैं हीरो बनूंगा, तो कुछ होता ही नहीं, तभी खाली ये था कि मेरे को व्यूज लाने हैं, मेरे को नहीं मालूम उसके आगे होगा नहीं होगा, मेरे को नहीं मालूम। हाँ यार, सडनली देखा कि भाई इसमें कोविड में एक लड़का फैजू 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 होने मिस्टर फैजू, मिस्टर फैजू है ना। हाँ, कोविड में बहुत वायरल हुआ था, मेरी कुछ वीडियोस भी बहुत वायरल हुई थी। तो बस जब लोग अंदर बैठे थे घरों में डरे हुए थे, वीडियो बन रहे थे, वीडियो बन रहे थे, मगर वो हो गया था कि मेरा एक वीडियो का शॉर्ट भी हो गया था, फिर उसके बाद से मैं भी चुपचाप घर में जाके बैठ गया और घर में ही कंटेंट बनाने लगा था। हाँ, क्योंकि लोगों के कमेंट्स वगैरह मैटर करते थे। अग्रीड, कि भाई अगर लोग बोल रहे कि भाई ये सही नहीं है, अभी आप ऐसा मत करो, तो उस पर पूरा फोकस करते थे, उस पर शांत रहते थे। भाई मेरे को एक चीज पूछने का था, प्लीज। मैंने सुना था ये चीज कि जब आप दोनों का हुआ था चक्कर चक्कर आप दोनों का, तो उससे पहले आप हर्ष भाई क्या कर रहे थे? मैं पहले डे वन से ही राइटर था। राइटर थे आप? हाँ, मैंने अपना राइटिंग शुरू किया 2007-08 में। हाँ, तब मैं गाने लिखता था। हाँ, फिर मैंने दूरदर्शन के लिए कुछ शोज लिखे। हाँ, फिर मैंने लिखा सब टीवी के लिए। हाँ,
सज्जने झूठ मत बोलो के एपिसोड्स और लापतागंज। मतलब आपको राइटिंग का पहले से शौक था? मैं राइटर था, हूँ, रहूंगा, वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। भारती दी का मुंह बन गया। मगर मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, आपने रिसेंटली रोहित सर को भी लाया था आपके पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा गया पॉडकास्ट। भारती दी, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे। मैं देखो आज हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लग रहा, पूछ फैजो पूछ। मेरे को एक चीज बताओ भारती दी, देखो ये मेरे लिए है, मैं खुद मैं अगर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ तो मैं खुद को ही इंस्पायर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो मेरे साथ भी। भारती जी, आपने भी रियलिटी शो वगैरह से स्टार्ट किया था जी, आज मैंने भी वही किया है जी। आप भी अच्छा शो कर रहे हो, आप अच्छे स्केल पे हो, अच्छी पोजीशनिंग पे हो, मैं भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बना रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। भारती दी, कैसा लग रहा है आपको कि जिस रियलिटी शो में लोग जाने की सोचते हैं, आप भी गए वहाँ, मैं भी गया वहाँ, मगर उसके होस्ट को यहाँ बैठाया आपने? ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने रोहित सर को एक ही मैसेज डाला था। एक ही मैसेज भाई हमने डाला और उन्होंने बोला हाँ हाँ करते हैं, ये मेरी डेट फ्री है। एक बार ना फिल्म सिटी में हम लोग पैकअप करके निकल रहे हैं यस भाई, और सर अपना शूट कर रहे हैं, कोई एकदम ही चुपचाप कॉर्नर पे खड़े। अब ऑब्वियसली सर की पर्सनैलिटी ऐसी है कि दूर से भी दिख जाएंगे, तो हम लोग गाड़ी चला, अरे भाई रोहित सर भाई, उधर रुके, उन्होंने बातचीत की, फिर जब ये पॉडकास्ट के लिए बोला, या मैं कोई भी, मतलब आप सोचो यार वो कितने बड़े डायरेक्टर है। खतरों के खिलाड़ी में मेरे को इंडिया वाला जब शूट कर रहे थे, मुझे बोला हर्ष तेरे को कभी भी कोई हेल्प चाहिए रहेगी ना स्क्रिप्ट वाइज, उनको पता है मैं राइटर हूँ, कभी भी कुछ हेल्प चाहिए रहेगी ना स्क्रिप्ट वाइज, तेरे को कुछ सुनाना है समझना है तो प्लीज़ बोलना बेझिझक भाई। बहुत बड़ी बात है वो बोलना, वरना आपको पता ही है क्योंकि उतना बड़ा आदमी बोलेगा तो बंदा अगले दिन टिंग टोंग सर ये चार कहानियाँ हैं बना। सही बात है, मैं गया नहीं कभी, लेकिन उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। फैजो, तुम्हारा कैसा सफर था रोहित सर के साथ खतरों में? फर्स्ट टाइम मिले ना उनको? मैं फर्स्ट टाइम खतरों में मिला था। पहली बार जब मैंने उनको देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि रोहित सर है वो, क्योंकि यार हर किसी का एक सपना होता है एक रियलिटी शो में जाने का। यस। अब अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है तो जाहिर सी बात है मैं उसको चखूंगा। हमेशा मैंने खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा रियलिटी शो है जिसको मैंने शुरू से फॉलो किया है। अच्छा। हाँ, और मैंने कभी ये नहीं सोच के फॉलो किया कि यार मैं इसमें जाऊंगा। अब अगर सोचो उस बंदे को जाने की अपॉर्चुनिटी मिले तो वो तो अलग ही चांद सितारे होंगे उसके। शिद्दत। मैं जब रोहित सर को देखा ना, तो जब वो बोले ना और फैजू कैसा है, मतलब मुझे ऐसा लगा ना किसी अपने ने मेरे को बोला है कि और फैजू कैसा है, मतलब उनकी वाइब ऐसी थी, उनकी वाइब ऐसी थी कि यार मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार रोहित सर को जैसे मैं बहुत बरसों से जानता हूँ। फिर उसके बाद में जब बेस्ट पार्ट क्या हुआ मेरे लिए कि शो में हर कोई खेल रहा था, शो में हर कोई कोशिश कर रहा था कि जैसे आप भी गए होंगे तो आपने भी कोशिश किया होगा कि यार रोहित सर के दिल में एक जगह बने। करेक्ट। एक इंटरव्यू में मैंने देखा हम लोग के खतरों के बाद में कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट में आपको मतलब स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन है, तो उन्होंने दिव्यांका का नाम लिए, मेरा नाम लिए और एक दो जन का नाम लिए। जब उसमें मेरा नाम आया ना, तब मुझे एहसास हुआ कि यार जो मैं सोच रहा था वो हो गया, रोहित सर के दिल में मेरे लिए जगह है। और फिर उसके बाद में जब मुझे अगले साल यानी इसी साल मतलब पिछले साल 2022 का जो खतरो हुआ, हाँ, उसमें मुझे एज अ चैलेंजर बुलाया, yes, तब मुझे मेरा वजन समझ में आया कि यार yes. यार भारती थी बस मेरा ना एक दिल टूट गया, जो मैं सोचता हूँ कि मेरी जर्नी का एक हिस्सा था, मेरा दिल इसमें टूट गया कि यार मैं जीतते जीतते नहीं जीत पाया खतरो, मतलब मैं रनर अप था। कैसा टास्क था लास्ट वाला? लास्ट वाला बहुत खतरनाक था, लंबा होता है ना टास्क, बहुत लंबा था। बताता हूँ मैं कैसा था। सबसे पहले एक जीप है, जीप पे एक वायर है, वायर के आगे एक फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड वायर से ऐसा उल्टा लटक के जाना है, फायर ब्रिगेड पे जंप करना है, उसके बाद में उसके एक्सेल को सेट करना है, स्टेयर्स उसके बराबर लाइन पे जब सेट होंगे तो वो स्टेयर से चढ़ना है, चढ़ने के बाद में जंप करना है ट्रक पे जंप करने के बाद में एक बटन को दबाना है, वहाँ रोहित सर रहेंगे, वो बटन खुलेगा, ढक्कन फटेगा, नीचे जाना है, एक बॉक्स है उसमें 3-4 चाबियाँ हैं, वो चाबी में से कोई एक चाबी है जो वो बॉक्स खोलेगी, बॉक्स में से कटर निकालना है, एक जाली है जो कबूतर नहीं आते ना घर में, वो जाली लगती है, वो कटर से जाली को काटना है। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग अगर कोई पूरे स्टंट में चीज थी तो वो थी जाली काटना, वो बहुत मुश्किल था काटना, बट उसको पूरी कोशिश किया मैंने कि फास्ट फास्ट काटू। वो काटने के बाद में दो बड़े बॉक्स थे जिसके अंदर बॉम्ब थे, रियल बॉम्ब थे, और उसके बाद में ऊपर से एक चॉपर आएगा, चॉपर आने के बाद में वो बॉक्स में हम लोग चढ़ेंगे, चढ़ने के बाद में एक स्टेयर्स को कनेक्ट करेंगे, वो कनेक्ट करने के बाद में वो हम लोग को जल्दी से वो बॉक्स के ऊपर वो बॉक्स से हट के लैडर को पकड़ना है क्योंकि वो बॉक्स नीचे गिर जाएगा, तो जल्दी से लैडर पकड़ा, लैडर में मैं पूरी आर्म स्ट्रेंथ यूज किया कि हाथ से मैं ऊपर चढ़ू, हाथ से चढ़ने के बाद में बॉक्स नीचे गिरा, वो फटा,
ऊपर मैं चॉपर पे चढ़ा और जो मेरा फील था ना कि मैं चिल्ला रहा हूँ चॉपर से एक हाथ से लटक के कि यार हो गया, मतलब मैं वहां पे ये सोच लिया था कि मैं जीत गया। सच्ची? मैं वहां ये सोच लिया था कि मैं जीत गया खतरों के खिलाड़ी, मतलब मुझे ये लग रहा था। बट क्योंकि मुझसे पहले अपने एक और भाई थे मोहित भाई, तो मेरे को लगा मोहित भाई से पूरा स्टंट नहीं हुआ था। मोहित भाई अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाए। वो आर्म स्ट्रेंथ उसमें बहुत ज्यादा लगती है और उनका वेट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था, तो हो सकता है वो, और उनके ना हाथ में भी थोड़ा प्रॉब्लम था उसकी वजह से वो स्टेयर से ऊपर चढ़ नहीं पाए। बट मैं सेकंड था, मैंने वो कर लिया। थर्ड तुषार था, मैंने पूरी कोशिश किया था कि कम से कम टाइम में करूं, बट तुषार की नसीब अच्छी थी, तुषार ने तो आधे में ही स्टंट खत्म कर दिया। क्या बात कर, आधे में ही स्टंट खत्म हो गया उसका। यार तुषार भाई का फिटनेस अलग लेवल है यार, सीरियसली। यस भाई, मुझे लगता है कि जब फैजू आप सेकंड आते हो ना, तो कभी ना कभी दूसरी बार आपको फर्स्ट आना होता है, आपको पता चल जाता है कि उसने क्या किया और मुझे क्या करना है अभी। वो फर्स्ट में मेरी नजर में आ गया जब मैं अगले साल खतरों में एज अ चैलेंजर गया था। यस करेक्ट। अब अगर एज अ चैलेंजर बुलाया जा रहा है तो मतलब स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है वो। अब जब स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है उसे बुलाया जा रहा है तो मतलब वो तो भाई उसके चौके लग गए भाई। यार घर वालों ने जब आपको यूट्यूब या फोन पे तो बहुत देखा होगा, लेकिन जब पहली बार उन्होंने टीवी में देखा और छा रहा है बेटा, और मम्मी पापा बहन क्या रिएक्शन थे सबके? सच्ची बताता हूँ, मेरे अब्बू को पसंद है मैं जो करता हूँ, इतना भी ज्यादा नहीं बट ठीक है, और मेरी अम्मी को नहीं पसंद है मैं जो करता हूँ, और मेरी छोटी बहन को कभी हाँ कभी ना। तो मेरी अम्मी को इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि हम लोग का जो फैमिली बैकग्राउंड है ना वो बहुत पर्दे वाला है। जैसा ऐसा है कि मतलब घर में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। अभी आप देखो, मैं शुरू शुरू में पहले वीडियो बना लेता था, मेरी अम्मी को पता नहीं होता था कि इतने सारे लोग देखते हैं। ओ अब जब उनको पता चल गया है कि इतने सारे लोग देखते हैं ये सही नहीं है, तो मेरी अम्मी अब सीधा ना बोलती है कोई भी वीडियो के लिए। मैं आपको बताता हूँ, मैंने माशाल्लाह इतने अच्छे बड़े बड़े ब्रांड थे, तीन थे जिसमें सिर्फ मम्मी का थोड़ा सा फुटेज आना था और मम्मी के थोड़े बाइट्स थे, और वो अच्छा पैसा दे रहे थे, मैंने वो तक नहीं कर पाया। अब मैं मेरी खुद की तो चीज़ें जो मेरी पर्सनल है वो तो दूर की बात हो गई। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि अम्मी ने कभी इंटरेस्ट दिखाया नहीं, अम्मी को पसंद नहीं था मैं झलक में जाऊँ, अम्मी ने मेरा कोई एक भी परफॉर्मेंस नहीं देखा, नहीं एक परफॉर्मेंस नहीं देखा मेरी अम्मी ने झलक का। मेरी अम्मी ने डांस ही नहीं देखी कि मैंने डांस क्या किया। क्या बात कर रहा है? नहीं फैजू, नहीं मेरी अम्मी को पसंद ही नहीं है कि मैं जो ये कर रहा हूँ वो मैं करूँ। पर कोई सामने वाला तारीफ कर देता है। इसलिए मैंने मेरी अम्मी को यही कहा है कि हमेशा से कि देखो अम्मी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक लाइफस्टाइल बन जाए, एक अच्छी जगह पे मैं आ जाऊँ, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो जिससे आपको पसंद हो, आपको खुशी हो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ झलक में। आप लोग को पता है कि कितनी मेहनत, मेहनत बदन तुड़वाना। yes, रात में सो तो आपको एक एक बॉडी पार्ट आपका बोलता है कि यार मैं दुख रहा हूँ, मैं दुख रहा हूँ। yes. सुबह सो के उठो तो ऐसा लगता है कि यार अभी तक ये दर्द वहीं का वहीं बेड पे ही है। सही का, इतनी हालत खराब होती है। फिर जब आके मैं ये देखता हूँ ना कि मेरी अम्मी मेरा परफॉर्मेंस नहीं देख रहे, तो जाहिर सी बात है वो मजा नहीं है मेरे लिए भी। बट मैं क्या करूँ, मेरे काम का एक हिस्सा है, मेरी जर्नी का एक हिस्सा है, मुझे भी आगे बढ़ना है, तो बस। पर घर में लगा था झलक? एक बार भी नहीं लगाया घर पे। मैं अगर बैठू, मैं अपना खतरों के खिलाड़ी मेरी अम्मी ने देखा। खतरों के लिए इसलिए देखा क्योंकि खतरों में कोई गाना बजाना नहीं था, कोई एक्टिंग नहीं करनी थी, नेचुरल था। स्टंट करना है आपको, मेरी अम्मी को मैं बताता था, मैं वहां रहता था कॉल पे, मैं अम्मी के सामने रोता था। जिस दिन मेरा 19th एपिसोड पे एलिमिनेशन हुआ, मैं रो रहा हूँ अम्मी के सामने, अम्मी मैं हार गया, अम्मी मैं हार गया। अम्मी बोले अच्छा कोई बात नहीं, तू इतने टाइम तक था, वैसे भी मेरे को तेरी याद आ रही थी, तू आ जा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे मुझे बोला गया कि आपकी री एंट्री हो गई है। बोला अम्मी री एंट्री हो गई, शिट आ जाता तो अच्छा रहता था मैं। तो मेरी अम्मी है बट इतना इंटरेस्टेड नहीं है, और अम्मी को गाना बजाना ये सब इतना खास पसंद नहीं है, तो मेरी अम्मी का ये प्रॉब्लम है। तो अम्मी फिल्में भी नहीं देखती? नहीं, कोई पिक्चर विक्चर कोई कहीं नहीं देखा। हम लोग घर में कोई टीवी चलती ही नहीं है। टीवी है तो सिर्फ उसमें यूट्यूब चलता है, जिसमें मैं अभी जो आजकल आप लोग देख ही रहो, लॉन्ग ड्राइव विद फैसू या ब्लॉगिंग हो गया, यही सब चलता है घर पे जो चलता है। तो अम्मी के सामने चुप ही रहना और ऐसे भी नहीं करना। एक आना अम्मी कैसे हैं आप, है ना? नहीं यार, मेरा वीडियो देखेंगे अम्मी? अरे अम्मी आपका वीडियो देखते हैं, पता है आपका वीडियो, मम्मी मेरी इतना कॉमेडी, मेरी नानी है ना, नानी वो तक आपको मतलब इतना वो करते हैं कि यार मैंने जैसी बोला ना घर में कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। अभी मैं भारती दी के पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ, मैं भारती दी को बुलाता हूँ घर पे खाना खिलाने के लिए एक बार, क्योंकि अभी नया नया घर लिए माशाल्लाह, तो आप लोग आओगे, नानी भी है नाना भी है, वो तो चले जाएंगे एक फेब तक का।
तो मैं बोला कोशिश करता हूँ, मैं भारती दी से पूछता हूँ अगर उनकी डेट खाली रहेगी। यस यस प्लीज। हाँ हाँ हाँ। पीछे से नानी की आवाज आई, भारती वो भारती आ रही है। देख मैं बहुत खुश होंगे, जरूर आएंगे यार। मेरे को बड़ा फैजू से बात करके बड़ा अच्छा हाँ। दोस्त लगता है कि दोस्त दोस्त है, हर किसी का दोस्त है फैजू। जो पहले दोस्त थे आज भी वही दोस्त है कि अभी नए दोस्त जुड़ चुके हैं। टीम 07 सब है। 07 अदनान ने अपना जिम खोल लिया है, अदनान अपने सोशल मीडिया पे भी अच्छा बहुत अच्छा ध्यान दे रहा है, हसनैन भी है। हसनैन हम लोग के ग्रुप में एक ऐसा मेंबर है जो पिछले एक साल से सिर्फ सो ही रहा है, मतलब वो इतना सोता है। अभी वो जागा है क्योंकि जहाँ पे मैंने आपको बताया कि लोधा में हम लोग सब लोग ने कर लिया, मैंने लिया है, हसनैन ने लिया है, शादन ने लिया है, फैज ने लिया है। तो वो एक ऐसा मेंबर है कि अभी वो शिफ्ट हुआ ना तो अभी वो जागा है, वो इतना सोतड़ा है, इतना सोतड़ा है, ग्रुप में सबसे ज्यादा सोने वाला बंदा वही है। उसके बाद में सद्दू है, एक शादान नाम है उसका, वो भी बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा है, वो भी सब मेहनती है, वो भी अच्छा मेहनत कर रहा है वो भी। और फैज है और मैं, हम लोग टोटल 5 लोग, हम लोग सब लोग ने साथ में स्टार्ट किया। कैसे मिले? हम लोग कॉलेज में मिले थे, कॉलेज में। मैं अदनान से मिला था और अदनान बाकी लोग से मिलवाया। अच्छा, फिर तुम लोग का ऐसा ग्रुप बना कि भाई चलो टिकटॉक बनाते हैं। हम लोग का एक पहले से ये सब सोशल मीडिया के पहले से एक ग्रुप था जिसमें हम लोग डेली मिलते थे, डेली घूमते थे। तो हम लोग का है ना एक राइडर्स का ग्रुप था जिसमें बाइक वगैरह, तो मैं भी मतलब पहले कॉलेज टाइम पे रहा, स्टंट वगैरह करता था। क्या बात कर रहे हो? मुझे व्हीली आती है, स्टॉपी आती है, मुझे अदनान ने ही सिखाया था ये सब। अच्छा। अदनान बहुत अच्छा राइडर था। फिर उसके बाद में हम लोग ने देखे कि यार इसमें कोई स्कोप नहीं है क्योंकि ये चीज ऐसी है कि मतलब आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, हाथ वाथ को कुछ हो गया तो घर वाले परेशान, तो ये चीज बंद कर दी है। उसके बाद में हम लोग ऐसी घूमने लगे, कॉलेज टाइम में ऐसी टाइम स्पेंड करने लगे। तो उसके बाद में कुछ प्लेटफॉर्म आया, डब स्मैश आया, और उसके बाद में म्यूजिकली आया, म्यूजिकली के बाद में टिकटॉक आया, टिकटॉक के बाद में इंस्टाग्राम के रील आए, अभी YT शॉर्ट्स आए। तो जैसे जैसे आते गए हम लोग वैसे वैसे अपग्रेड होते गए। बहुत बढ़िया यार, अब क्या अपग्रेड हुए हो। तब तो मैंने सोचा ही नहीं था कि जब आपको इतना हेट मिल रहा था, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ था, उसके बाद आज अपना शो। एग्जैक्टली मुझे पता है। और मेरे को ऐसा था कि हम ना देखते हैं, और मैं ऐसा आदमी हूँ कि कोई दो चार बार बोल देगा ना तो मेरे को बुरा लगेगा, और आई थिंक ये सबको बुरा लगेगा, लेकिन इस बात को आज 4-5 साल हो गए, और 5 साल में जब मैं देखता हूँ, और बहुत मीम, मैंने तो ये कल एक रील में देखा जहाँ पे दिखाया कि आप इनको हेट करते थे, ये करते थे, वो करते थे, देखो आज वो कहाँ है। पावर ऑफ कीप गोइंग, आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आपको कितनी गालियाँ दी, कितना भला बुरा कहा, कितना बोला कि अरे तुम में टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, लेकिन आज जब खतरों के खिलाड़ी, जब झलक दिखला जा, या जब अपना ही यूट्यूब पे जब तुम ट्रेंडिंग नंबर 1 आते हो। Yes, यार। ये कोई खाने की बात नहीं है कि आप ऐसा ट्रेंडिंग नंबर 1, कुछ ही यूट्यूबर्स है टॉप के जो आप आते हैं, तो ये सारी चीजें कैसे हुआ यार ये? तो ये बात आपने सही बोला है कि तुम जिसे मेरे पॉडकास्ट में आया था डीनो जेम्स, उसने बोला था कि यार तू बैठ के जिसके प्रोफाइल पे गाली दे रहा है या जिसकी बुराई कर रहा है, तू रिक्शे में घूम रहा है, आज वो रेंज रोवर में घूम रहा है। एग्जैक्टली। तो कितना फर्क वाली बात है कि सही बात है कि किसी पे, मतलब मैंने एक चीज नोटिस किया है कि अगर हम जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर किसी का किसी से कुछ होता है तो वो बोलता है कि यार मैं इसको ऐसे जवाब दूंगा, अच्छा ये जगह पे ना मैं इसको इसी जगह पे इसका ऐसे जवाब दूंगा। मगर मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि यार अगर कोई आपको पोक कर रहा है तो प्लीज उसको इग्नोर करो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे काम है आपको करने के, और जितना हो सके आप इग्नोर करो और आगे चलो, क्योंकि अगर आप इग्नोर करना नहीं सीखे, मैंने मेरी लाइफ में 2 चीज सीखा है, एक ना बोलना और एक इग्नोर करना। ना बोलना तब जब आपको लगे कि यार नहीं करना है तो नहीं करना है। अब आप उसमें बहुत सारे लोग हैं जिसमें एक ना के वजह से 100 झूठ बन जाते हैं, ना के वजह से 100 बहाने बन जाते हैं, ना के वजह से आप खुद ही झुक जाते हो बाद में आके। तो एक ना बोलना मैंने सीखा है, दूसरा मैंने इग्नोर करना सीखा है। मैंने पूरी कोशिश किया है कि मेरी लाइफ में मैं इग्नोर करूं उन सारी चीज़ों को जो मुझे पॉइंट कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, और फिर वहाँ जाने के बाद में जाहिर सी बात है कि यार आज आपको 100 लोग हेट कर रहे हैं, कल को आप कुछ अच्छा करोगे जो कि आपकी नीयत अच्छी है, आपके अखलाक अच्छे हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप खुद जानते हो आप अच्छे हो, तो वो सारे लोग जो नेगेटिव है 100 लोग वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाएंगे। बट आपने तभी इतना हेट मिलने के बावजूद कोई वीडियो ही नहीं डाला था, कभी कुछ भी नहीं डाला। मैं आपको बताऊं मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हेट क्या मिला है, मेरे को मेल तक पे गाली आई है।
मेल तक पे गाली आई है, मैं उस बंदे का नाम नहीं लूंगा। उस वक्त मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। मेरे पास में ना बहुत सारे ना मैसेजेस आए, कमेंट में आए कि आप ऐसे जवाब दो, वैसे जवाब दो, बहुत गालियाँ आई, बहुत सारे लोगों ने बहुत अजीब अजीब बात की। उस वक्त मुझे देख के ना बड़ा बुरा लगा खुद को लेके कि यार मैं ये किस जगह पे आ गया। क्योंकि कभी कभी ना एक 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 मुकाम पे आने के बाद में ना आपको भी ऐसा फील होता है कि यार ये मैंने जो स्टेप लिया है क्या ये सही है या नहीं है। क्योंकि यार इतना आगे आने के बाद में लोग इतना हेट कर रहे हैं, ये सही नहीं है या सही है, ऐसे सारे डाउट्स आने लगे मुझे। बट फिर मैंने नोटिस क्या किया कि क्या मैं गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ तो वो सही बात है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाई फिर मैं क्यों सोचूँ इतना, फिर मैं क्यों इस बारे में इतना फोकस करूँ और इस चीज़ पे इतना ध्यान दूँ। मैंने इग्नोर किया। पता है जो मैटर हुआ था ना, वो मैटर ऐसा था कि सामने वाले ने बोला था कि क्या भाई तू कॉल करके मेरे बारे में ऐसा कुछ बोल रहा है वैसा कुछ बोल रहा है, जो कि मैंने किसी को कभी कॉल ही नहीं किया। तो मैं आज इसलिए इतना बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि उस बंदे को ये बात पता चले कि मैंने वो चीज नहीं बोला था, ना मैंने कोई कॉल किया था। अब देखो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा जब फुटेज लग के फैंस लोग दिखाएंगे इंस्टाग्राम पे। अच्छा, तो मेरा कॉल नहीं था। ये एक खाली इतने बड़े एक बड़े यूट्यूबर ने इतने से सेगमेंट में डाला था, क्या भाई फैजू कहीं गुंडा है तू, ऐसा वैसा कुछ तो भी बोला, सिर्फ इतना सा मेरे को बोला था। वो पूरे वीडियो में लोगों ने सिर्फ मुझे ही टारगेट किया था, क्योंकि मैं वो टाइम पे थोड़ा सा शॉर्ट वीडियोस में अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद में मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि यार मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कॉल नहीं किया था। और फिर उसके बाद में मैंने ये स्टेप लिया कि यार मैं कोशिश करूंगा कि मैं इग्नोर करूं, और जो लोग मुझे हेट कर रहे हैं इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूं और इतनी मेहनत करूं कि आगे चल के वो मुझे प्यार करें। क्या बात। और आज हर्ष भाई मुझे वैसे लोग मिल रहे हैं, वैसे लोग प्यार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कौन सी गाड़ी यूज करते हो भाई? रेंज रोवर वेलार। क्या बात है, कभी ली थी? भाई मेरे को ये लेके 2 साल हो गया। मतलब ये मेरी लाइफ की मेरी सबसे पहली गाड़ी है। अच्छा, पहली गाड़ी रेंज रोवर। सीधा ही परफॉर्मेंस पे स्टैंडिंग ओवेशन। पहले उतरा 7 नंबर 9 नंबर सीदा स्टैंडिंग ओवेशन रेंज रोवर। भारती दी मैं बताता हूँ आपको कि ये मेरी पहली गाड़ी है रेंज रोवर, और यार ये मेरे लिए ना अभी तक है ना एक सपने जैसी बात है। ठीक है, मैं अभी भी है ना कभी कभी यकीन नहीं कर पाता हूँ। जब मैं कभी पार्किंग में उतरता हूँ और गाड़ी को देखता हूँ ना, तो मैं ऐसा सोचता हूँ अच्छा मेरे पास रेंज रोवर है। हाँ, मुझे ऐसा फील होता है, अच्छा ये गाड़ी इतनी महंगी है मेरे पास में। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी, जैसे 6 महीने में एक बार हो गया, साल भर में एक बार हो गया, 2 साल हो गया गाड़ी लेके, मैंने कम से कम 3-4 बार ऐसा सोच चुका हूँ। और मैं बता रहा हूँ ना कि एक टाइम पे ना शुरुआती दौर में इतने पैसे तो जमा हो गए थे कि मैं एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद सकता था। करेक्ट। बट मैंने यही सोचा कि यार ये जो पैसे है ना, इसको मैं ऐसी जगह लगाता हूँ जिससे मैं आगे की जर्नी थोड़ी सी आसान कर सकूँ, यानी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर जब मेरे पास में अच्छा पैसा आएगा तब, पता है आपको, मैं जो लोकेलिटी में रहता हूँ, जिस जगह पे मैं रहता था, वो जगह से निकलना बहुत मुश्किल है हर्ष भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उस जगह पे जब मैं था ना, तो जब ये सब स्टार्ट हुआ था, वो 2 साल तक का ना मेरे पास इतना पैसा था कि मैं अंधेरी में कहीं रेंट पे अच्छी जगह पे रह सकता था 1-2.5 साल के लिए। तो भी मैं नहीं रहा। मैंने यही सोचा, क्योंकि मुझे ना अगर मैं किसी से 1 रुपया भी उधारी लेता हूँ ना, तो मुझे ना उसका है ना बोझ बहुत रहता है कि यार मैंने ना इससे पैसे लिया हूँ, मेरे को इसको पैसे देने हैं वापस। तो बस मैंने यही सोचा था कि अगर मैं लोन पे भी घर लेता हूँ ना, तो भी यार मेरे को ना इसका लोन चुकता करना है। और वो एक डर रहता है कि आज आप काम कर रहे हो कल नहीं कर रहे तो क्या। करेक्ट करेक्ट। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी अलग सोच होती है, उनको डर नहीं लगता, वो सोचते हैं कि यार चल ठीक है मैं इस तरीके से ऐसा कर लूंगा, उस तरीके से ऐसा कर लूंगा, इधर इन्वेस्टमेंट उधर इन्वेस्टमेंट मिला जुला के, और लोग कर भी लेते हैं। बट किसी किसी का जिगरा इतना बड़ा नहीं होता, किसी किसी को बहुत डर लगता है कि यार ये चीज करूंगा कहीं ऐसा ना हो जाए, कभी मैं इतना बड़ा लोन ले रहा हूँ कभी भर नहीं पाया तो क्या होगा मेरा, ये बहुत डर होता था मेरे पे। हर्ष भाई मैंने 2 साल रहा वहां पे, जो कि मैं शिफ्ट हो सकता था। 2 साल रहने के बाद में 1 साल और रहने का डिसीजन लिया कि ये 1 साल रह के वहां पे पैसे जमा करके डायरेक्ट पहले घर लूंगा और फिर शिफ्ट होऊंगा। भाई मैंने घर ले लिया, कोई शोशाबाजी नहीं, कोई शोशाबाजी नहीं, कुछ भी नहीं, घर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। घर लेने के बाद में मैं चुपचाप शिफ्ट हुआ, अल्लाह ने इतना और नवाजा कि अब मैं दूसरी जगह रह रहा हूँ, वो जगह को रेंट पे दे दिया। ये ना भारती मैंने देखा है, मुंबई में जो पला बड़ा है या मुंबई में जो पैदा हुआ है ना, वो सबसे पहले पैसा आते ही घर लेता है।
मेरे पास भी जब भी पैसा आया था तो मैंने बाइक पे था, लेकिन मैंने भी सबसे पहला मतलब 22 लाख का घर लिया था वो टाइम पे। 4.5 लाख में सेंट्रो या कोई एक अच्छी गाड़ी आ सकती थी, लेकिन मेरे से भी हिम्मत ही नहीं हुई। मेरे को ऐसा लगा कि नहीं भाई, आज गाड़ी ले रहा हूँ, पैसे नहीं बचे, कल को राइटिंग में काम नहीं मिला तो वापस से गाड़ी बेच के फिर वो और ख़राब हो जाता है। और मैं खुद भी वैसी ही लोकेलिटी से आया हुआ हूँ जहाँ पे जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि अरे आज आपका टाइम अच्छा चल रहा है, आप निकल के कहीं फ्लैट में चले गए, फिर आपका टाइम खराब, आप वापस आओ, ताने मार मार के माँ बहने कर देंगे। भाई ये मैंने मेरे जब रिसेंटली ओल्ड होम टूर के उसमें डाला था ना, तो मैंने इसमें ये भी बोला था कि यार मेरे पास एक वक्त था कि मैं चेंज कर सकता था, बट डर ये था कि अगर मैं फिसल गया और वापस उसी जगह आना पड़ा तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम फिर बहुत बहुत टूट जाएंगे। सही बात है एकदम। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट करते हो। हाँ, इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में, हर किसी के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है गाइस। फैजू लाइफ में लाइफ पार्टनर कितने साल के हो गए हो? भाई मेरी अम्मी ने खास मेरे को सिखा के भेजा है कि कोई भी लड़कियों की बात नहीं करना तुम शो में। शादी का सीन है मैं इंशाल्लाह 1-1.5 साल में। अरे वाह। हाँ भारती दी भूलो मत, मैंने आपको बोला आप मेरी शादी में आ रहे हो और आपने बोला था मैं एंकरिंग करूंगी। ये भी करेंगे बहन की। पक्का ना? कर लो भाई, कर लो। लॉक कर लिया। अभी डेटिंग बॉम्बे की लड़की होगी ना? वो नहीं पता मेरे को, मेरी मम्मी ने देखी है जो। 1-1.5 साल बोला तो मुझे लगा रिलेशनशिप में होगा और अभी डिस्क्लोज करेगा। नहीं ऐसा है कि मतलब 1-1.5 साल में कर लेना, क्योंकि अभी ऐसा है कि मैं 28 ईयर्स का हो गया हूँ और ना मेरी अम्मी की एज बढ़ती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि घर में अम्मी को काम करना पड़ता है, जाहिर सी बात है अभी अम्मी कर रही है। और भी बहुत सारे लोगों को मैं बाहर से भी हायर कर सकता हूँ जो हाउस हेल्पर होंगे, मैं उनसे भी काम करवा सकता हूँ, बट रहता है ना कि एक एज निकलने के बाद में शादी करने का पॉइंट नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है यार। तो ये है और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जो दोस्त है मेरा भाई जैसा अदनान, वो तो इंशाल्लाह वो बोल रहा है 4-5 महीने में कर लेगा अभी। तो ग्रुप में सबसे पहले शादी अदनान कटने वाला है भाई। फिर शुरुआत है, फिर बैक टू बैक। भाई क्या लाइफ में क्या करना है? होस्टिंग, एंकरिंग, यूट्यूबिंग? हर्ष भाई मैं मेरी लाइफ में वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मेरे लिए मुश्किल है। मैंने नोटिस किया है कि यार अपॉर्चुनिटी हर जगह है, आपको हर जगह से ऑलराउंडर रहना है, आपको पूरी कोशिश करना है कि आप हर काम के लिए फ्लेक्सिबल रहो। मैंने ये चीज़ मेरे में नोटिस किया है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं यही कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं एक शो होस्ट करूँगा जिसमें सामने फराह खान होंगी, सुनील शेट्टी सर होंगे, बादशाह होगा और एंकरिंग करूँगा मैं अपना विवेक ओबरॉय। तो इनके सबके साथ में मैंने एक अवार्ड शो को होस्ट किया जे फ्लिक्स का। तो मैंने उस दिन रियलाइज़ किया कि यार मैं होस्टिंग कर सकता हूँ। जब मेरे मेंटोर सागर भाई, उन्होंने बोला कि यार देख तू बात करता है, तेरे को बात करने आती है, तू अच्छी बात करता है, तेरी वाइब अच्छी है, तू सामने वाले को एनर्जी देता है, एक्टिव रखता है, तो यार तुझ में वो बात है तो तू कोई शो कर ले। मैंने कोशिश किया, मैंने वो शो भी किया। एक सीरीज आई थी मेरे को बैंग बैंग और बालाजी पे। अच्छा एक्टिंग का ए भी नहीं मालूम है, बट उन लोगों ने बोला कि आपको करना है, आपको करना पड़ेगा, आप हीरो हो, एक्शन हीरो। श्रद्धा पासी जो डायरेक्टर थी हमारी, जब भी मैं ना शॉर्ट में एक्टिंग करता था ना तो मेरे को बोलती थी तू एक्टिंग कर रहा है मत कर, अच्छा नहीं लग रहा है, नेचुरल रहे जैसा तू है वैसा कर। तो मैंने कोशिश किया, मैं खाली एक बता रहा हूँ कि एक वर्सिटैलिटी कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने हर चीज को चखा है, समझा है और मैं वो सारी चीजें करना चाहता हूँ मेरी लाइफ में जो जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यार गाना तो नहीं गाऊंगा। वो चीज मेरे को ऐसा लगता है कि ना जबरदस्ती, क्योंकि वो यार वो ऊपर के तरफ से, वो अल्लाह के तरफ से कि किसकी आवाज अच्छी हो किसकी। अब वो इजी है, इसका ये मतलब नहीं कि इसको सब करने लगे। हाँ और मेरे को जरा भी नहीं पसंद है कि मैं ऑटो ट्यूनिंग करूँ, मतलब मुझे ऐसा फील होता है, तो मैं ये चीज कभी नहीं करूंगा। बाकी वो हर चीज करूंगा हर्ष भाई जो मेरी लाइफ में आगे आएगी। और मैं तैयार कर रहा हूँ, एक्टिंग के वर्कशॉप मेरे चालू है, मैं क्लासेस उसकी भी चालू किया हूँ, वो ले रहा हूँ। सीखते बहुत रहना यार। हाँ भाई हर दिन सीखूंगा, जब जब टाइम मिलेगा तब तब सीखूंगा। मैं ना उन लोगों को देखा है जो टीवी में काम करते हैं, जैसे जैस्मिन का एग्जांपल, और मैं बहुत इज्जत करता हूँ उस लड़की की। जैस्मिन भसीन टीवी कर रही थी, उसने बोला कि नहीं यार हर्ष मुझे ना अभी कुछ और एक्सप्लोर करना है, क्योंकि अभी नॉन फिक्शन में किया फिर बिग बॉस किया, उसको लगा अब मेरे को वापस से फिक्शन में नहीं जाना जब तक मेरे हिसाब का काम ना मिले। उस लड़की ने इतने कोर्सेस किए हैं ना, और आज जब पंजाबी फिल्म में उसकी एक्टिंग देखते हैं ना अलग ही लड़की लगती है, वो दिखता है।
और वो जिसको मालूम है उसी को दिखेगा, जो नॉर्मल है वो तो बोलेगा हाँ ये तो फैजू ही है, बट वो देखेगा। प्लीज उसके साथ ड्राइव पे जरूर जाना, वो करना उसके साथ लॉन्ग ड्राइव विद फैजू। यस, अरे 100% आप बात कर लो, करते हैं जैस्मिन प्लीज फैजू के साथ। बहुत अच्छा शो है उसका, फैजू लेके जाता है गाड़ी में, कभी शॉपिंग कराता है, कभी कुछ खिलाता है। भारती देखो एक्सेस था, जैस्मिन आ जाएगी पूरा बजट लेके मेरे पास, शॉपिंग कराता है, शॉपिंग ताज को लाबा चलते हैं, पलेडियम मॉल में शॉपिंग कराता है, डियोर में जाके ऊंची ऊंची का थोड़ा सेटिंग है वो ला देता है पर्स वर्स। लेकिन फैजू कैसा लगता है हर दिन जब वो शूट करते हो अलग अलग लोगों के साथ? Yes. तो अब कैसे करते हो? अब थोड़ा जो पहले दिन था, दूसरे तीसरे दिन था, अब वो थोड़ी चीज आसान लगी? आज मैं आपको देखो एक ही चीज बोलूंगा, आसान मेरे को तब लगी जब आपने मुझे बोला कि तू फैसल अपना होमवर्क करके जाएगा। Yes. फैसल तुम अपना होमवर्क जब तक कंप्लीट नहीं करोगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा करना क्या है। मैंने ये चीज जब समझा ना, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैंने खुद से लिखना चालू किया, मैं खुद से एक रिदम सेट किया कि भाई इसका फ्लो कैसे जाना चाहिए। क्योंकि बाजू में जब आर्टिस्ट बैठते हैं तो फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक का फ्लो है, तब तक का वाइब है, तब तक का सामने वाले से आप क्या बात करना है उसको भी मन करेगा यार फिर अच्छे से बताने का। वो चीज मैंने हर्ष भाई सीखा भारती दी से, इन्होंने खाली इतना बताया होमवर्क करके अच्छे से जा, पूरा होमवर्क आराम से अच्छे से करके जाता हूँ। फैजू को देखा बेचारे स्लिप पे था, ए उसको बुला जरा, ये क्या है इसका? मैंने बेचारे बोला कि बेचारा फैजू एक तो थका कहीं से आया था शूट से और पूरा इसको क्या है, अरे भाई इसका वो कर लो ना, इसका वो कर, तो अरे उसका कैसे ये करेंगे सर। तो फिर मैंने फैजू को बोला, मैं कहा फैजू अपना होमवर्क खुद करना क्योंकि ये तुम्हारा शो है, इसमें तुम दिखोगे। अरे लिख देना फैजू कर लेगा। नहीं, फैजू क्या करेगा फैजू खुद पता है। अब मैं वो खुद लिखता हूँ, मैं खुद ही आर्टिस्ट के सामने बैठ के ऐसी वाइब क्रिएट करता हूँ कि सामने वाला जब जाता है ना तो जाते जाते इतना खुश हो जाता है कि यार मजा आ गई, मजा आ गई, बोले ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा यार मैंने, ऐसा बोले इतना चिल इंटरव्यू, मजा आ गई। सनी कौशल को भी मैंने बुलाया था रिसेंटली, उसने भी बोला। सनी भाई का एक ऐसा एपिसोड था सनी कौशल का जो मैंने अराउंड 35 मिनट्स में उड़ा दिया, ठीक है, जिसमें से लगा 25 मिनट का। वो 10 मिनट जो थे ना, वो 10 मिनट सिर्फ है ना कहीं लाइट डीम थी तो उसको कट करना पड़ा, नहीं तो भाई इतना अच्छा वाइब क्रिएट था, इतना अच्छा मैंने स्क्रिप्टिंग किया था कि मुझे काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं पे भी। बहुत फायदा होता है भाई, आप प्रिसाइज रहो। फिल्म जब शूट करते हैं भाई स्क्रिप्ट को, इसलिए तो बोलते स्टिक टू द स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट एक साल लेके लिखी गई है। एक साल में आपने हजार बार चीजें सोची होगी, शूटिंग पे तो आप एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अरे नहीं इसको नहीं ऐसे कर देते, वो तो अभी आया हुआ थॉट है जो एक साल से आप तैयार कर रहे हो, उसकी ज्यादा आपको फोकस करना। राइट 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 राइट। तो फैजू कभी कोई फिल्म का ऑफर आता है या? भाई मेरे को है ना, मेरे को रिसेंटली दो फिल्म का ऑफर आया, एक साउथ का है और साउथ का वो बॉलीवुड के लिए आया है जिसमें साउथ को रिक्रिएट करके लोग बॉलीवुड में डाल रहे, जैसे कबीर सिंह हो गए, ये सब स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, बट पहली मूवी को मैं ऐसा रिक्रिएट करते हुए नहीं जाते हुए देख सकता, पहली मूवी मेरी, क्योंकि यार वो मेरे लिए बहुत आसान टास्क हो जाएगा, और अगर मैं अभी इतना अपने आप को तैयार कर रहा हूँ तो मैं अच्छे चैलेंज के लिए तैयार कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। दूसरी मेरे को एक बॉलीवुड से ही आई है मूवी, बट उसमें कैसा है ना कि मेरा लीड नहीं है। यार ऐसा नहीं होता है, अगर आपकी जर्नी है आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लीड नहीं मिल रहा है तो आप साइड रोल से स्टार्ट करो, बट मैं जो मुकाम पे हूँ और जिन जो मेरे फैंस है ना वो मुझे देखना चाहते हैं एज अ हीरो, इसलिए मैंने ये अपॉर्चुनिटी को इस तरीके से इतना होल्ड नहीं कर पाया, बट मैंने बोला है कि हाँ यार नहीं हुआ मूवी नहीं आई, नहीं हुआ तो खुद ही कर देंगे मूवी, खुद ही बना देंगे मूवी। यार आजकल तो क्रिएटर्स के पास टचवुड ब्रांड्स और YouTube और वहां से इतना पैसा तो आ ही जाता है कि छोटी फिल्म तो बंदा खुद ही बना सकता है, और आई थिंक तो खुद ही बनानी चाहिए बिकॉज फिल्म में अपना रंग भी तो दिखे। सही बात है। फैजू को घूमने फिरने का कितना शौक है? बहुत शौक है मुझे, हर जगह घूमने का शौक है भारती दी। मैं जब से ये शो चालू किया हूँ ना मेरे पैर जम गए, मैं निकल नहीं पाया हूँ। पता है आप लोग का एक अभी जो आपने YouTube पे व्लॉग डाला, आप लोग मस्त बैंकॉक में घूम रहे हो, मेरे को देख के इतना जलन हुई है ना वो, क्योंकि देखो आप लोगों का जो काम है ना वो भी यही है, आप लोगों का काम ये है, आप लोगों का काम है टेलीविजन पे, आप तीनों जगह से घिरे हुए हो तो भी आप बैंकॉक कैसे घूमने चले गए? एक साल बाद गए भाई, एक साल मैं एक शो कर रहा हूँ और यूट्यूब पे अभी मैं गिनती के कंटेंट डालना चालू किया, मेरे पैर जम गए, मैं बोल रहा हूँ हर्ष भाई मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, ये लोग मस्त बैंकॉक घूम रहे हैं यार, मैं भी कोशिश करता हूँ यार बैंक बना के जाओ और निकलू। हम भी बैंक बना के गए थे। भारती दी मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को मैंने लास्ट जो इंडिया के बाहर गया हूँ मैं वो दुबई गया हूँ, वो एक 5 दिन के लिए एक ट्रिप के लिए, वो भी बिजनेस ट्रिप थी, काम से गया था। उसके पहले मैं गया था उमरा के लिए सऊदी। बस यही दोनों टाइम में बाहर निकला हूँ, जो निकला हूँ मेरे को ये 23 मेरा निकला ही नहीं हूँ मैं कहीं बाहर।
बस 23 में ये निकला, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 24 में बाहर निकलूँ। बाहर निकलना है, बाहर काम भी है, बाहर चीज़ें भी है, घूमने के लिए भी है, कोलैबोरेशन भी है, सब कुछ है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि अभी जो चल रहा है ना, जो चल रहा है वो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली। और हर्ष भाई मेरे को चाहिए कि अगर एक रिदम सेट है ना तो उसको अच्छा बैंक बना के निकलूँ मैं। भाई उसको तोड़ दिया ना रिदम को, तो फिर ये जिम वाली बात है कि आपने 6 महीना लगा के किया लेकिन आपने 2 महीना नहीं किया तो गया, फिर वापस से जीरो से चालू हुआ। हाँ, लेकिन फैजू मैंने पूछना है कि आप शुरू से ऐसे फिट थे कि अब थोड़ा फोकस है कि जिम भी और खाना पीना भी है। मैं शुरू से फिट था और शुरू से मैंने, मैं बताता हूँ आपको, मेरी बॉडी की जो जेनेटिक है ना वो मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक का लगता है कि ना बाकी लोग से बहुत अलग है। मेरा हाजमा बहुत अच्छा है, मेरी बॉडी की जेनेटिक ऐसी है कि मैं कितना भी कार्ब्स लोड करूँ या फैट लोड करूँ, अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो रेगुलर वर्कआउट कर रहा हूँ जैसे करता हूँ, तो वो इतना फर्क नहीं पड़ता है मेरी बॉडी पे। अभी मैं 2 दिन बाद एक ब्लॉग डालने वाला हूँ जिसमें मैंने सिर्फ खाया हूँ बाहर का स्ट्रीट फूड, इतना खाया हूँ कुलचे छोले तक चला गया मैं, वाला भारती दी के साथ आया था यहाँ पे खाने, इतना खाया हूँ मगर इतना फर्क नहीं आएगा क्योंकि बॉडी की जेनेटिक अच्छी है। मेरा मेटाबॉलिज्म में ना बहुत हाई है भाई। मैंने खतरों के खिलाड़ी में फोटो आपने डाला था कोई, और उसमें पूरा ऐसा बेयर बॉडी था और पूरी ऐसी चेस्ट, वो चेस्ट के पैक बता रहे थे कि क्या भाई, सच्ची बताओ आप क्या करते हो, लाइक सप्लीमेंट्स लेते हो या क्या करते हो? देखो मेरे हिसाब से ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना बॉडी बिल्डिंग लाइन में ना, 80% ना डाइट होती है, 20% वर्कआउट होता है। वो सब किसी के लिए नहीं है। अभी अगर कोई माशाल्लाह हेल्दी है तो उसके लिए मेरे हिसाब से 50% वर्कआउट है तो 50% डाइट है। तो हमारे जैसे लोगों के लिए तो डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा खाना, अच्छा पीना और लिमिटेड वर्कआउट करना, जिससे आपको यहाँ पे भी प्रेशर ना आए और बॉडी भी ज़्यादा आपको दुख दर्द ना दे। क्योंकि आजकल ना मैं बहुत लड़कों में ये भी देख रहा हूँ कि एक मेहनत करता है 3-4 महीने लगा के, ठीक है, और ऑब्वियसली 3-4 महीने लगातार आपने जो एक्सरसाइज किया, कभी ना कभी तो ऐसा डाउन मोमेंट आएगा जहाँ पे आप 6 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना जिम नहीं करते, फिर छाती बैठ जाती है, मसल लूज हो जाते हैं, तो आदमी को डिप्रेशन आता है हर्ष भाई। मगर इसमें कैसा है ना कि अभी आप जिम जा रहे हो, राइट, आपने 6 मंथ अराउंड जिम किया, राइट, आपके बॉडी में आपको पंप दिखा, आपने देखा कि यार ये 6 महीने में मेरी बॉडी में अच्छा फर्क आ गया, राइट। अब आप सोचो कि आपने उसके आगे 3 महीना जिम नहीं किया, राइट, अब आपको आपकी बॉडी में फर्क दिख रहा है कि बॉडी तो बैठ गई, राइट, आप 1 हफ्ता जिम करो आपको वैसा पंप फिर नजर आने लग जाएगा, उसे बोलते हैं मसल मेमोरी। तो वो क्या होता है ना कि आप जो इतनी मेहनत पिछले 6 महीने की थी ना वो आपको फास्ट रिजल्ट देती है, मसल मेमोरी आपको फास्ट रिजल्ट देती है, आपकी बॉडी में जल्दी फर्क दिखने लग जाता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। आप क्या करते हो, लाइक व्हाट इज योर? भाई मेरा अगर मैं आपको बताऊं मेरा डेली का रूटीन कैसा है कि अभी मैं सुबह उठा, कितने बजे उठते हो? अर्ली मॉर्निंग वाले हो? अर्ली मॉर्निंग नहीं, मतलब 9:30-10:30 यही एवरेज। हमारा भी आसपास ही है भाई, 9:45 हो ही जाते हैं। हाँ 9:10-11 हाँ बस यही हुआ। उठने के बाद में नाश्ता किए, नाश्ता करने के बाद में यहाँ से अगर घर कुछ काम है, शूट है तो पहले शूट, क्योंकि जिम करने के बाद में ना बॉडी थोड़ी ड्रेन हो जाती है, बॉडी सुकून मांगती है, बैठ मांगती है, तोड़ता हूँ भाई 2 घंटा जिम ऐसा करता हूँ ना मैं, 2 घंटा कभी 2.5 घंटा जिसमें 1 घंटा मेरा या 45 मिनट्स कार्डियो होता है। अच्छा। कार्डियो बहुत ज़रूरी है, अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो तो कार्डियो ज़्यादा करो। तो जिम हो गया, अगर कुछ शूट रहा तो पहले शूट, उसके बाद में जिम, शाम में घर पे आया, और माशाल्लाह जब से मैं शिफ्ट हुआ हूँ तब से घर में मेहमान का आना जाना लगा रहता है, और बहुत अच्छी बात होती है कि अगर घर पर मेहमान आते हैं तो मेहमान का आना जाना लगा रहता है, मेहमान आते जाते हैं माशाल्लाह, कभी कोई रिश्तेदार आ गया, रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, फिर शाम में कुछ दोस्तों के साथ में मिलना, कुछ क्रिएटिव बात करना, क्योंकि पहले ऐसा शुरुआती दौर था कि सिर्फ गुंडाई हो रही है, नफरती हो रही है, घूम रहे हैं यहाँ है वहाँ है, सब बंद हो गया भाई। अभी तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों के साथ में मिलना, कुछ बात करना, क्योंकि बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें निकलती है जो हम कर सकते हैं, वो होता है। फिर वापस रात में घर जाना, घर जाते जाते घर वालों के लिए कुछ अच्छा ले लेना, टाइम पास करे जिसमें वो, या कभी गेम वेम खेल लिए घर पे बैठ के, कि इंगेजिंग रहे फैमिली के साथ में। करते हो कि खाना पीना काउंट करके खाते हो या कुछ भी, मतलब? भाई मैं यही बता रहा था आपको कि मेरी बॉडी की जो जेनेटिक है ना वो ऐसी है कि ना मैं कुछ भी खाता हूँ, ऐसा नहीं कि सुबह 10 अंडे 12 अंडे फिर ये ब्राउन राइस। मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने लास्ट डाइट कब किया।
मैंने अभी मेरे को बस इतना पता है कि अगर मैं दो टाइम खाना खा रहा हूँ घर में तो मुझे उसमें चिकन चाहिए। अच्छा चिकन चाहिए, अगर चिकन है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो इतना वर्कआउट कर रहा हूँ ना वो उसका फल तो निकल रहा है उससे, तो इम्पोर्टेंट है। मैं चिकन तो खाता ही हूँ, बाकी ऐसा नहीं हुआ कभी कि मैं एवोकाडो जूस ला भाई एवोकाडो जूस लाओ, ब्रोकली लाओ, पीनट बटर खा रहे हैं डाइट में सुबह ब्रेकफास्ट में, और हाफ फ्राई ऑमलेट कोई कुछ नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो कि हर्ष भाई अब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पहले जब शुरुआती दौर पे वर्कआउट करता था तभी इतना नहीं होता था ये, तब मुझे ऐसा लगता था कि ये सब बहुत जरूरी है बॉडी बिल्डिंग के लिए। भाई है जरूरी मानता हूँ मैं, बट आप अगर अपनी बॉडी को एक एवरेज बॉडी बनाना चाहते हो तो आप एवरेज डाइट भी करोगे जिससे आपकी बॉडी हेल्दी फिट रहेगी और शर्ट उतरेगी तो दिखने जैसी तो रहेगी, एटलीस्ट आप फिट दिख सकते हो। अब अगर वेंस चाहिए वो चेस्ट चाहिए तो उसके लिए तो बहुत सारी चीजें भी डालनी पड़ जाती है। करेक्ट, मतलब सच में ऐसे लगता है कि ये बंदा वो वाला है, नो एवोकाडो, मेरा एवोकाडो का टाइम है तो मैं एवोकाडो ही खाऊंगा, मतलब वड़ा पाव भी खा लिया, डोसा भी खा लिया, सब सब भरती थी सब खाते सब घर में, रोटी चावल सब सब रोटी चावल डेली का है, इतना तो डेली खाता ही हूँ मैं घर में। और खुद से करते हो जिम की कोई ट्रेनर है? नहीं ट्रेनर है, ट्रेनर मेरे को आज मैं बताता हूँ, ट्रेनर है ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिम में मेरे को जहां तक का लगता है, क्योंकि यार आप अपने हिसाब से उतना ही वर्कआउट कर रहे हो जितना आपको नॉलेज है, और ऐसा मैंने नहीं देखा है बहुत, जो बहुत ज्यादा जिम लवर होते हैं ना चलो वो खुद से करते हैं और उनको इतना जब उनसे जिम उनको जब जिम से इतना प्यार होता है ना तो वो जाहिर सी बात है वो उसमें और गहराई देखते हैं। अच्छा फिर उसमें समझते हैं कि यार आज मैंने ये रूटीन फॉलो किया था, मैं गूगल पे देखता हूँ मैं नेक्स्ट हफ्ते के लिए क्या रूटीन सेट करूँ। जिनको प्यार होता है ना वो इस तरीके से अपना प्यार दिखाते हैं वर्कआउट में, जो जिम वाले होते हैं जो रेगुलर बेस पे जाते हैं ना वो जो जाके अकेले जिम कर रहे हैं ना बॉडी फिट रहेगी, बट एक ट्रेनर जो आपको जो चीजें बताएगा ना कि यार ये सेगमेंट हमारा ये वीक का हो गया अब नेक्स्ट वीक हम कुछ इस तरीके का फॉलो करते हैं, फिर नेक्स्ट वीक हम इस तरीके का, उससे क्या होता है ना बॉडी के वेन्स खुलते हैं, मसल खुलते हैं, मसल मेमोरी अच्छी होती है, बहुत सारी चीजें जो एक ट्रेनर जानता है और वो ट्रेनर प्रॉपर वर्कआउट कराता है। अब वो ट्रेनर पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रेनर कितना नॉलेजेबल है, मतलब कमर तोड़ जिम। मैं पहले पूछता हूँ आप लोग बताओ भारती दी आप जिम कब कर रही हो? वैसे अभी लगता नहीं कि मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं काफी फिट हो गई हूँ, ये जाते हैं ये वही वाले हैं। हर्ष भाई एक बार जिम करते हैं ना अपन साथ में। मैं यार मैं पता क्या करता हूँ, मैं वो जो मुकदर रहते हैं ना हाँ। मैं वो घुमाता हूँ 100 एक साइड 100 दूसरी साइड 100, मैं हनुमान दंड मारता हूँ जो पैर आगे करके होते हैं ये वाले, वो 100 मारता हूँ और बस खत्म। फिर थोड़ा बहुत ये वो कर लिया, वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो हैवी एक्सरसाइज वाला है ना वो मेरे को ट्रेनर चाहिए, और मैं ट्रेनर मेरा टाइम कंफर्म नहीं है, कभी 10 बजे जिम किया कभी 12 बजे किया कभी ट्रेनर के भी बाकी क्लाइंट्स होंगे, ट्रेनर को कोई ट्रेनर मेरे को बोल दे भाई इतने भी नहीं हो आप भाई हम इतना रुके, तो मैंने बोला भाई मैं वो करता हूँ और मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ। क्या बात है, और खाता है जैसा फैजू वैसा ही हो, कोई हमारा ऐसा वाला नहीं होता, दाल चावल चिकन मटन वही खाता, पराठे खाता है, कोई ऐसा खाना मैं सब खाता हूँ। बट भाई अगर आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, मेरा पूरा ऐसा लीन वाला हिसाब है, लीन बॉडी बहुत अच्छी बॉडी है भाई, अगर मैं कभी जिम नहीं जाऊंगा ना तो एकदम सिकुड़ जाऊंगा। यार कितना मजा आया फैजू के साथ बात करके, और मैं एक मुझे फिर पूछना, मेरे को बार बार ना भाई मतलब सवाल मेरे दिमाग में है कि फैजू जाता है अपनी पसंद की सारी चीजें करता है डांस ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में रहता है ना कि अम्मी को पसंद नहीं है, फैजू की फिल्म आएगी अम्मी देखेगी? नहीं मालूम, नहीं देखेगी, पिक्चर तो नहीं देखी। पर लोग जो उनसे मिलते रहे यार फैजू क्या कमाल करता है ऐसा, मम्मी को तारीफ करते हैं आपकी? हाँ मम्मी को तो बहुत करते हैं, तो मम्मी क्या बोलती है? हाँ अम्मी उनको अच्छे से स्वीट से रिप्लाई करती है, हाँ हाँ अच्छी बात है हाँ देखे, मगर अम्मी अपना इनपुट नहीं डालेगी कि हाँ वो सीन देखा था क्या, ये सीन देखा था क्या, ऐसा था जैसे माया करती है, वो छलांग देखी थी जो लगाई उसने ऐसा करके, हमारी मम्मी बोलती रहती है। मेरी अम्मी ऐसी जरा भी नहीं है, नहीं है नहीं है, उनको कुछ भी नहीं पसंद है सब, कोई इनपुट नहीं डालती अपने अपने तरफ से, कोई चार लोग अगर बैठ के अगर मेरे कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो मेरी अम्मी को एकदम पसंद नहीं है, मेरी अम्मी का कोई इनपुट नहीं है वहाँ। बट आपकी छोटी सिस्टर उसका तो भाई फैजू है उसका भाई, अरे वो तो डेली जब कॉलेज से आएगी तो बताएगी भाई सब बात कर रहे बोले फैजू की बहन है फैजू की बहन है। क्या बात है, फैजू लड़कियाँ दीवानी है, मैसेज करती है फैजू मिल लो एक बार, होता है ऐसा?
हाँ हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो क्या क्या मतलब कभी ऐसा कोई ऐसा मैसेज आ गया और लड़की भी सुंदर है तो डगमगा गए कदम तुम्हारे? जवाब दे दूं वाला दिल भेज दूं ऐसे वाला, ऐसा होता है? मैं ना सच्ची बताऊं ना तो देखो ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि इसमें भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा अपनी आंखों से करो। अभी आप खूबसूरत बोल रहे हो और सामने निकला है ये बंदा, वो बोल रहा है जो सोशल मीडिया स्टार है, बिकॉज उसको पता है व्हाट इज रियलिटी। कि अभी क्या है ना, हम बहुत ज्यादा घुस गए भाई। फैजू सोशल मीडिया पे ग्रो कैसे करे आज की तारीख में, क्या डिफिकल्ट हो गया है? अगर फैजू, बहुत सारे फैंस हैं जो सुनना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और अगर फैजू अगर आज आता, फॉर एग्जांपल अभी 2024 में आता, अगर आज फैजू 2024 में आता तो वो क्या करता? ठीक है, वो सबसे पहले क्या करता, वो कोशिश करता कि एक अच्छा सा फोन ले। टाइम बहुत आगे निकल चुका है तो जाहिर सी बात है, चल लोन पे ले ले, अगर लोन पे ले सकता है तो। मैं तो डरता है लोन पे लेने से, बट मैं कोशिश यही करता कि कोई दूसरे का फोन स्टार्ट करता। अगर मैं जहां से स्टार्ट किया वहां से अगर मैं स्टार्ट करता तो कोई दोस्त यार का फोन ले लेता, अच्छा वीडियो क्रिएशन चालू करता, कंटेंट क्रिएशन चालू करता। मैं सबसे पहले क्या फॉलो करता, मैं सबसे पहले फॉलो करता जो बड़े क्रिएटर्स बना रहे या जो ट्रेंड में है, या अगर मैं खुद ही बैठ के ऐसी क्रिएटिविटी दिखाऊं जिससे लोग बहुत इंगेज हो, तो मैं वैसा कुछ करता कि डायरेक्ट चौका मारता। ये हो गया डायरेक्ट चौका मारना, बराबर। मगर ये ज्यादा लंबा स्पाइक नहीं देता है आपको। तो कोशिश वही करो जो लोग कर रहे हैं आज के टाइम पे। कोशिश मैं यही करता कि जो ट्रेंड में है मैं उसे फॉलो करता। ट्रेंड में अभी क्या चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, लोगों की व्लॉगिंग चल रही है, लोगों के पॉडकास्ट चल रहे हैं, मैं वो सब स्टार्ट करता। भले मैं छोटे स्केल पे करता बट वो करता। ये हो गया। दूसरा कंसिस्टेंसी, जितना ज्यादा हो सके मैं वो दिखाता। क्योंकि अगर आप कोई चीज पे जा रहे हो आपको पूरा अपना देना है 100%, और मैं वो पूरा अपना 100% देता। मैं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रेगुलर अपडेट देता। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी भी एक खुद की कम्युनिटी बिल्ड हो। मैं चाहता कि खुद के मेरे जो लोग हैं वो जो मुझे जो देख रहे हैं मैं उन्हें फैंस बना लूं। क्योंकि शुरुआती दौर है, फैंस बनाना जरूरी है, एक बेस बनाना जरूरी है लोगों को। तीसरी चीज मेरी जो होती, जो लोगों के लिए मेरे हर किसी की स्टार्टिंग जर्नी में ना, जब उसकी एक ऑडियंस बनती है ना तो ऑडियंस ना बोलती है यार, ना यार ना, कुछ भी कोई अच्छा भी कर रहा है ना यार। क्योंकि लोगों को क्या है, लोगों को क्या है, एक खाली कमेंट करना है यार ना, अच्छा नहीं, इतना खास नहीं है तू। अब वहां पे अगर आप लोगों का दिल जीत रहे हो अपने कंटेंट से, वहां पे अगर आपने अपनी जगह बनाई है, मतलब आपने अपना फैन बनाया, आपने अगर अपना फैंस बनाना शुरू किए, आपने इस जर्नी का सबसे पहला पड़ाव पास कर लिया। Yes. अब आप सोचो कि भाई आपको क्या करना है, आपको पॉडकास्ट आगे करना है, व्लॉगिंग करनी है, या आपको कुछ और करना है? हाँ, फिर मैं क्या करता, अब जब देख रहा हूं मैं कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके लोग अगर इंगेज हो रहे हैं मुझसे, नहीं हो रहे तो भाई मैं ये चीज करूंगा ही नहीं, क्योंकि ये चीज के अलावा और कोई चीज ही नहीं है जिससे मैं और कुछ कर सकूं लोगों को इंगेज करना। अगर हो रहे तो मैं इसमें और आगे बढ़ूंगा। और आगे कैसा बढ़ूंगा, कोशिश करूंगा कि भाई मैं अभी थोड़ा अपना प्रोडक्शन बढ़ा करूं। कोशिश करूंगा कि लोग अगर मेरे से दो मिल रहे हैं, दो अच्छी बातें कर रहे हैं, दो तारीफ कर रहे हैं, मैं उनको बताऊं कि देख भाई मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, तू दो पैसा लगा, देख मैं तेरे को ये चीज ऐसे 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 करके दिखाता हूं। मैं यही करूंगा कि अपना प्रोडक्शन बड़ा करूंगा, अपनी चीजें बड़ी करूंगा, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाऊंगा जिनकी फेस अच्छी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जर्नी का सबसे मेन हिस्सा है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन एक ऐसी चीज है जिससे आप सामने की भी ऑडियंस ले रहे हो, आप अपनी भी ऑडियंस दे रहे हो। यहाँ पे आप बहुत अच्छा स्पाइक हो गए। मतलब मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ कि मेरी जर्नी ऐसी रखता अगर मैं रखता तो, कि यहाँ पे कोशिश यही करूँगा कि कोलैबोरेशन करूँ, कोशिश यही करूँगा सामने वाले की जो ऑडियंस है ना उसको जीतूँ और अपने पास लेके आऊँ। अगर मैं यहाँ पे ये चीज कर रहा हूँ तो भाई मैं ये सोशल मीडिया की जर्नी में सही जगह जा रहा हूँ। अगर मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ या इसमें से 30% भी हो रही है तो भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं 40-50 करूँ। अगर वो भी नहीं हो रही तो भाई मेरे लिए ये जगह ही नहीं है, फिर मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये जल्दी समझ लेना भी जरूरी है। जल्दी समझ लेना हर्ष भाई, अगर जल्दी समझ गया कोई तो वो बहुत जल्दी कर रहा है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना इसमें शुरुआती दौर में टाइम लगता ही है। हाँ, बट आज के टाइम पे आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो।
आज का टाइम ऐसा चेंज हो गया है ना कि आपको नेक्स्ट डे ही पता चल जाएगा आप किधर हो। नहीं, और मैं एक और चीज बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आज की तारीख में ऐसा है, हमारे साथ बहुत ऐसा हुआ, हम ना कुछ बनाना चाहते थे लेकिन जब तक हम लिखते थे और बनाते थे ना तब तक टाइम चेंज हो जाता था। ट्रेंड चेंज होता है एवरी मंथ आज के, ये तो मैंने देखा है। तो आज साला आप बोलो मुझे कि भाई ये गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं, जब तक आप गाना लिखोगे, कंपोज करोगे, रिकॉर्ड करोगे, शूट करोगे, ट्रेंड साला ट्रेंड चेंज है, ट्रेंड गया। तो और ऐसा है कि वो आपको व्यूज नहीं मिलते। एक और ट्रेंड की बात से मेरे जहन में एक और चीज आई कि जब इंस्टाग्राम पे आप कोई फोटो अपलोड करते हो, क्या उसका कोई टाइम होता है? क्योंकि आप एक बहुत टॉप क्रिएटर हो, आपको मालूम है भाई, वो जो आप पोस्ट कर रहे हो ना उस कंटेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप लोगों को वो चीज दिखा रहे हो जो आप रेगुलर पोस्ट करते ही हो हमेशा, तो आप पूरी कोशिश करो कि उसको आप एक एल्गो के टाइम पे सेट करो। मतलब समझो कि आप एक एल्गोरिदम का टाइम होता है जो आपके इंस्टाग्राम पे आपको टाइम बताता है कि आप ये दिन को इतने बजे पोस्ट करना, वो वीडियो या फोटो स्पाइक करेगी, अच्छे एंगेजिंग होगी, वो बताता है इनसाइड में। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी मेरे रेगुलर पोस्टिंग करता हूँ, मेरी फोटोज़ नॉर्मल बेयर बॉडी हो गई या नॉर्मल शूट के फोटोज़ हो गए, ठीक है, वो लोगों को पता है कि यार फैजू अच्छा यार अभी मस्त फोटो डाला है, लाइक करे छोड़ दिए, वो इतनी इंगेजिंग नहीं है, वो ओके लोग बार बार वही चीज़ देख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा ना, उसको मैं 12 बजे डालूंगा या 1 बजे डालूंगा इंगेजिंग टाइम पे। अब अगर मैं सलमान सर से मिला करेक्ट, और अगर मैंने उनके साथ में एक सेल्फी लिया, और अगर मैं उसको रात के 11 बजे डाल रहा हूँ जो कि कोई टाइम ही नहीं होता है, 9 बजे भी कोई टाइम नहीं होता डालने का, मगर वो तभी मैं डाल रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि सुबह मैं उठ रहा हूँ तो उसमें मेरे को उतनी लाइक दिख रही है, उससे ज़्यादा दिख रही है जितना मेरे सोलो फोटो पे नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंगल फोटो मैंने डाला 1 बजे इंगेजिंग टाइम पे, उस पर लाइक आ रही है मेरे को 6-7 लाख, और अगर सलमान सर के साथ में मैं फोटो डाल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है सलमान सर को भी देखेंगे लोग, मुझे भी देखेंगे, सलमान सर के फैन भी लाइक करेंगे, मेरे फैन भी लाइक करेंगे। वो मैं अगर रात में 11 बजे भी डाल रहा हूँ ना तो उस पर 10 लाख लाइक है सुबह। तो ये टाइम का कुछ शॉर्ट नहीं है, टाइम का शॉर्ट तब है जब आप कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हो जो आप रेगुलर कर ही रहे हो, मगर आप कुछ ऐसा एंगेजिंग पोस्ट कर रहे हो तो उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है भाई, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। मैंने रात में 11 बजे 12 बजे, अभी मनीषा रानी आई है बिग बॉस बराबर, उसकी आईडी बहुत हिट पे है, वो उसने और मैंने भी वीडियो बनाया, हमने रात में 11 बजे डाला, हमने एक वीडियो और बनाया था, वो वीडियो को हमने दोपहर में 12 बजे डाला। ठीक है, अब मैं बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके सवाल का, हमने वो जो 12 बजे वीडियो डाला ना उस पर 1.4 मिलियन लाइक्स है, जो दूसरा कंटेंट हम लोग ने डाले वो रात में 11 बजे डाले जो कोई टाइम ही नहीं होता है, 11 बजे का कोई टाइम नहीं होता है, वो 11 बजे डाले वो 1.3 मिलियन लाइक है। तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि इस कंटेंट पे लाइक कितनी जाने वाली है, कितने लोग इसको इंगेज करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम कोई प्रोजेक्ट पे बैठते हैं और उसको शूट करने के बाद में हम ये सोचते हैं कि यार पक्का वायरल है, हो जाता है कभी कभी वायरल भी हो जाता है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार इसको तो सोचे थे वायरल होगा मगर ये तो चला ही नहीं, और इसको ये जो चलेगा नहीं और इतना बुरा कंटेंट हमको लग रहा था वो साला वायरल मार देता है। हाँ, तो भाई ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ कभी समझ में ही नहीं आएगी, मगर है एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर पोस्टिंग कर रहे हो, अगर आपको अच्छा अपना बार सेट करना है इस प्लेटफॉर्म के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, तो आप एल्गो के हिसाब से चलो, क्योंकि आप हर दिन नया अच्छा इंगेजिंग कॉन्टेंट नहीं दे सकते। इतना कन्फ्यूजिंग है ना चलाना यूट्यूब या इंस्टाग्राम समझना, कि कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता कि मेरे को पता है तुम ये करो। मैंने खुद अपने कितने लोगों को बोला था कि भाई ये ना टाइमिंग होती है यूट्यूब पे, फिर मैंने फ़ोन कर करके बोला, मैं कहा नहीं भाई मैंने टाइमिंग एक दो बार मिस कर दी तो भी सेम व्यूज़ आ गए। तो प्लीज़ तुम ये नहीं सोचना कि भाई मैंने 15 मिनट लेट हो गए अभी मैं कल ही डालता हूँ, रहने दो। तो वो सारी चीजें भी अभी पता नहीं YouTube कैसे चलता है भाई, पर टीवी करने में मजा आता है, बहुत मजा आता है। मैंने भारती थी, मैंने एक चीज नोटिस किया, सोशल मीडिया की जो ऑडियंस है और जो टेलीविजन की ऑडियंस है उसमें फर्क है। जो टेलीविजन की ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा एंगेजिंग होती है, उन्हें अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो वो इतना बड़ा पैराग्राफ भेजती है लिख के। अभी जैसे मैंने नोटिस किया, मैंने खतरों किया, खतरों करने के बाद में मैंने खतरों के पोस्ट भी डाला, तो उस स्टंट में क्या हुआ था, उसकी क्या गहराई थी, क्या रोहित सर ने बोले, वो इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ आता है। अभी मैं वहाँ एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो अगर वो वीडियो देख रहे हैं खतरों की तो वो कुछ भी, वो भी कुछ ऐसा बोले, बट वो इतना नहीं, वो छोटा, हाँ छोटा ही बोलेंगे, छोटा ही बोलेंगे, वाह फेसबुक क्या किया है तूने, बहुत अच्छा था, ऐसा था वैसा था,
बट जो एक डेप्थ में जाते हैं ना वो टेलीविजन ही वाले जाते हैं. फैमिली ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है. फैमिली ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत. और मैंने देखा आपके बच्चे बहुत फैन है. लड़के जो है ना बहुत फैन है. जो आपने कभी नॉटी नॉनवेज कंटेंट नहीं किया ना? कभी नहीं किया भाई मैंने. कभी नहीं किया क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस किया कि आज के टाइम पे अगर लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो वो एक रीजन से फॉलो कर रहे हैं क्योंकि मैंने अपना वो जॉनर सेट करते हुए आया है कि मैंने कभी भी कोई ऐसा कंटेंट नहीं बनाया जो चार. अभी हम लोग सलमान सर की मूवी शाहरुख सर की मूवी जब देखने जाते हैं हमें पता है कि ना शाहरुख सर किस करेंगे ना सलमान सर किस करेंगे पूरी मूवी में. हम पूरी फैमिली भी अगर जाती है तो वो भी बेझिझक बैठ जाती है. जो घरेलू फैमिली होती है वो जाती है उनकी पिक्चर देखने. उनको पता है बेझिझक होके कि यार इसमें कुछ भी है. जब हमारा भी कॉन्टेंट आता है तो हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई फैमिली बैठ के देख रही है ना तो उन्हें शर्मिंदगी ना हो और वो ये ना बोले कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है. करेक्ट. तो वो चीज हमने शुरू से अपनी बरकरार रखी. कोई ऐसा कंटेंट नहीं बनाया कि यार चार लोग बैठ के ना देखे. टीम 07 में से पूरा पूरा कोई भी नहीं करता है. बहुत बढ़िया यार. रेजू बहुत अच्छा लगा बात करके यार. बहुत इट वाज हर्ष भाई मजा आ गया. अमेजिंग पॉडकास्ट. क्योंकि सोशल मीडिया हम तो यार सोशल मीडिया ना थोड़ा ऐसे आ गए करते करते अपना काम करते करते. भाई आप कैसे आए मालूम है सोशल मीडिया से. हम यहाँ पे ऐसे 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 चल रहे थे आप ऐसे आए ऐसे आए. हम लोग देख रहे कहाँ चले गए. नहीं यार नहीं नहीं भारती थी. लेकिन अब पता चला कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है ना. मतलब कहाँ से कहाँ पहुंचे हो तो मेहनत ही है ये सच्ची में. और इतना एनर्जी वाला पॉडकास्ट था ना ये. और बीच में फैजू ने हमारा भी पॉडकास्ट हमारा भी पूछ लिया ना. पूछ ही लिया सब. आदत है ना अभी शो चलाने की. आप बाकी लोग नहीं पूछ रहे थे क्या? नहीं नहीं नहीं. एक चीज मेरे को खाली पूछना है भारती दी. आप जब आए थे मेरे पॉडकास्ट में जब आप मुझसे बात किए थे और अभी मुझसे बात कर रहे हो कितना फर्क नजर. बहुत फर्क. ये है ही नहीं वो फैजू. मैं ये पॉडकास्ट में बोल देती हूँ कि मेरा व्लॉग है वो वाला फैजू के साथ जब मैं गाड़ी में गई थी. मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी. आप लिंक देखना फैजू वहाँ पे कैसे बोल रहा है और ये पॉडकास्ट देखना उसमें कैसे बोल रहा है. प्लीज इस पॉडकास्ट में वो व्लॉग का लिंक जरूर डालना क्योंकि फैजू ऐसा था. भारती दीदी बस इसके बाद ना ये कोई आज आज इसने भाई आधा चुप करवा के हमसे हमारी जर्नी पूछ ली. तरक्की देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने किसी को जिसको अपने बच्चे की तरह भाई की तरह समझा जिसको कोई बात समझाई और उसने उस बात पे अमल किया. और आज देखो पहले आवाज़ यहाँ थी आज यहाँ पर है. मुझे लगता खतरों खिलाड़ी ये ना कर दे कहीं होस्ट. थैंक यू फैजू. थैंक यू सो मच फैजू. एक अच्छा लड़का है बहुत मेहनती और अच्छा बेटा भी है. आज बहुत सारी आज फैजू की जो खूबियां है ना वो पता चली है. 100% थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करिए भारती टीवी को.